लेकिन नियो की तरफ से क्या ही सब होता है, ग्रेनेड और एक स्लैमिंग आप देखने को मिलता है वहां पर हमें जोनाथन की तरफ से। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम नंबर 9 की अगर आप बात करेंगे गॉड लाइक की टीम की, वो घेर चुके हैं यहाँ पे TSM FTX को। एक और ग्रेनेड यहाँ पे किया जाता है, अगर कनेक्शन देखने का मौका मिलेगा एक नहीं जी यहाँ पे दो ग्रेनेड्स टॉस किए जाते हैं। TSM FTX को संभल के रहना पड़ेगा, कनेक्शन यहाँ पे देखने का मौका नहीं मिलेगा। गलत रिजेस पे यहाँ पे ग्रेनेड्स ड्रॉप आउट किए गए हैं। अगर आप यू नो याद करेंगे गेम्स रोटेशन की हम बात कर रहे थे, मेरा मान भी रोटेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दोस हिल्स, बिकॉज ऑफ दोस माउंटेन्स। एलिमेंट ईस्पोर्ट्स लिटरली एक वेस्टर्न रोटेशन लेके आए थे ब्रिज को क्रॉस करके अभी फाइट लेने के लिए आने वाले हैं, बट आई वांट टू नो कि कहां पर जाती है ये वाली फाइट। ये फाइट वेल यू नो गेम्स, मैं तो कहना चाहूंगा कि ये जो जगह है ना यहाँ पे और भी ज्यादा फाइट्स होने वाले इसके बाद। देखिए जितनी जल्दी फाइट खत्म होगी उतना बेनिफिशियल रहेगा कि पता चले आपने अपोनेंट टीम को एलिमिनेट करा और आपके ऊपर थर्ड पार्टी आ जाए, तो वो चीज होने से पहले ही आपको ये फाइट को खत्म करना पड़ेगा। बहुत टीम्स आसपास से रोटेशन यहाँ पर मुझे पता है, नो डाउट यहाँ पर देखने को मिलेगी। न्यू की अगर बात करते हैं वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर TSM FTX के शैडो की तरफ प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेले तो बेस्ट यहाँ पर रहेगा, अदरवाइज मुझे लग रहा है कैप्टन ज्यादा तो सर्वाइव कर पाएंगे एक्विनॉक्स भी, क्योंकि पिछले गेम में पहला शिकार बन चुके हैं यहाँ पर जो हमने पहला गेम जब कास्ट करा था। वेल दूर से क्लच गॉड स्पॉट करते हैं उनको, एंड इनके नाम में जब यू नो क्लच गॉड है, हमें पता है ये परफॉर्मेंस कैसा रहने वाली। वेल क्लच तो उन्होंने